नीतीश कुमार आज लेंगे बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ। पांचवी बार बन रहे हैं सीएम। पटना के गांधी मैदान में दोपहर 2 बजे लेंगे शपथ। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में इकट्ठा होगा देश का एंटी मोदी केमा। 9 राज्यों के मुख्यमंत्री हो रहे हैं शामिल। मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचेंगे वेंकैया नायडू और राजीव प्रताप रूडी। लालू यादव के दोनों बेटे हो सकते हैं नीतीश के मंत्रिमंडल में शामिल। 25 से ज्यादा मंत्रियों की कैबिनेट भी लेगी शपथ। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुंबई के दादरी में एक बिल्डिंग में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने 40 लोगों को निकाला सुरक्षित। घटना के कारणों का पता नहीं। दिल्ली के स्कूल में मिला कन्या भ्रूण। पीएफए और दिल्ली पुलिस की रेड में लैब में मिला 6 महीने का भ्रूण। साथ में दुर्लभ प्रजाति के जीव भी बरामद। शीना बोरा हत्या मामले में सीबीआई ने पीटर मुखर्जी को किया गिरफ्तार। आज होगी कोर्ट में पेशी। इराक और अमेरिका की खुफिया एजेंसी का दावा आईएसआईएस बना रहा है रासायनिक हथियार। फ्रांस के पीएम ने भी जताई आशंका आईएसआईएस अगला हमला कर सकता है रासायनिक या जैविक। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। मित्रों श्री राधे, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हां, आज दिन बहुत ही खास है। आज है अक्षय नवमी और आज हम आपको बताने वाले हैं आंवले के बारे में। जी, आंवला जो है इसकी अहमियत आज के दिन इतनी ज्यादा क्यों है, क्यों अक्षय नवमी के दिन आंवले की पूजा भी होती है। और आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार ये जो आंवला है ये चमत्कार दिखा सकता है आपके जीवन में, आपको निरोगी काया दे सकता है और साथ ही साथ आपको धनवान भी बना सकता है। तो चलिए विस्तार से ये रहस्य जानते हैं आचार्य जी से, क्या बताएंगे। बिल्कुल, मित्रों देखिए, कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि अर्थात आज का दिन पौराणिक मान्यता के अनुसार आज के दिन से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान श्री हरि विष्णु आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। अब जब विष्णु आ गए, जो भरण पोषण के कारक देव माने गए हैं, तो भैया इनके साथ माँ लक्ष्मी तो आती ही है, तो इसलिए आप स्वस्थ भी रह सकते हैं आंवले के पूजन अर्चन और इसके सेवन से, और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा भी आप पा सकते हैं। ग्रामीण अंचलों में तो आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बना करके करने की व्यवस्था रहती है। कई बार हमने भी ऐसा मौका पाया है और हम भी आंवले के वृक्ष नीचे खाना बनाकर खाए हैं परिवार सहित। यदि आप भी संभव है तो जरूर करिएगा। आंवले के साथ आपके निरोगी काया और साथ ही साथ धन का क्या किस्मत कनेक्शन है, ज्योतिषीय ढंग से आज हम आपको समझाएंगे। इसके साथ इसकी पौराणिक एक छोटी सी कथा भी हम बताएंगे कि क्यों आंवले का वृक्ष इतना पूजनीय हो जाता है। पौराणिक कथा इसके साथ कनेक्ट है। शिव का भी वास कुछ शास्त्रों में कहा जाता है कि भगवान शिव भी इस दिन इसी वृक्ष में आकर के रहते हैं। यदि ऐसी मान्यताएं हैं तो आज आंवला इस पृथ्वी पर है उपलब्ध और इस समय आंवले में अच्छे अच्छे फल भी आ गए हैं। तो आंवले के साथ इसका प्रयोग हम आपको 4 प्रयोग बताएंगे, 2 निरोगी काया के और 2 धनवान बनने के। तो 4ों प्रयोग आपके लिए बेहद अनिवार्य रहेगा, इसको जरूर नोट करिएगा। और किचन पिटारा, अब जब रसोई की बात हुई, खाने की बात हुई, तो ये भी हम बता दें कि आज इसके अंदर जो सामग्री है वो आपके जीवन से क्या खास दुख दूर करेगी। कई दफा ऐसा होता है कि हम किसी काम को करते करते बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, उबन सी होने लगती है, ऐसा ना होने पाए।
कुछ काम ऐसे हैं जो हमारे जीवन के साथ जीवन पर्यंत चलते रहते हैं, तो किसी काम से आप बोर ना हो, ऊब ना जाए, इसके लिए आज इसके अंदर कुछ खास सामग्री है जिसका इंतजार करिएगा और नोट करने के लिए तैयार रहिए। जी हाँ, और साथ ही साथ आपका अपना ये साथी 24 घंटे का जो आपके हर काम बना जाता है और जिसे अपने पास रखते ही अपने आप को आप लकी महसूस करते हैं। जी हाँ, आपका अपना लकी अक्षर आज क्या होगा? रा का ना डा? हाँ, होगा कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ तो होगा। आपके राशि के अनुसार आपको ये आपका अपना लकी अक्षर भी हम आपको आगे देने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच है जो हम चाहते हैं हर दिन आप अपने साथ लेकर चलें, क्योंकि आपकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे में किसी भी यात्रा के लिए अपने आप घर से जा रहे हैं या किसी खास काम के लिए अपने घर से निकल रहे हैं, घर की चौखट से कदम आगे बढ़ाने से पहले अपना कर चलिए अपना खास रक्षा कवच। चलिए, आज के दिन अगर आप कहीं यात्रा के लिए कदम निकाल रहे हैं तो एक काला धागा ले लीजिए और उसके साथ काले धागे के साथ अशोक का एक पत्ता बांध लीजिएगा। इसके साथ अब आप घर से प्रस्थान करिए और 100% आप पूरी तरह से सुरक्षित ही रहेंगे। कल के दिन काली मिर्च और नमक पास में रखकर कागज में लपेट कर अपने पास रख लीजिए और उसके बाद आप घर से कदम बढ़ाइए। निश्चित तौर पर कल के दिन भी सुरक्षा की गारंटी रहेगी। जी हाँ, और चलिए अब हम आपको आंवले के जो विशेष प्रयोग हैं बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बात करेंगे आपके सफलता के बारे में। जी हाँ, किसी भी क्षेत्र में सफलता आप प्राप्त करना चाहते हैं, साक्षात्कार के लिए अपने घर से जा रहे हैं, कोई भी इम्तिहान है तो उसमें आप बिल्कुल सफल होकर अपने घर आएंगे, लेकिन लेकर चलनी है अपनी खास सक्सेस की। आज के दिन कहीं पर अगर इंटरव्यू आदि के लिए कॉल आया है और आपको भय लग रहा है कि आप पता नहीं पास होंगे भी कि नहीं, सिलेक्शन होगा भी कि नहीं, तो कच्चा दूध आम के पत्ते से अपने ऊपर थोड़ा सा छिड़क लीजिएगा। कपड़े आदि पहनने से पहले करें, कई बार दाग भी पड़ सकता है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा जिससे वस्त्र आपके गंदे ना होने पाए। कल के दिन काजल से कागज पर त्रिंग लिखना है, तामिरा बड़ी की मात्रा ऊपर बिंदी, त्रिंग लिख करके उसके बाद इस कागज को अपने पास रख लीजिए और फिर घर से कदम बढ़ाइए। निसंदेह आप इसमें भी सफल जरूर होंगे। जी हाँ, तो भाई आंवले में जो है फायदे अनेक छुपे हुए हैं और ये लाभ जो है आप उठा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रयोग अपनाने हैं। चार महाप्रयोग लेकर आए हैं जिनमें से दो है निरोगी काया के लिए और दो है धनवान बनाने के लिए। तो क्योंकि आंवले में है अखंड सौभाग्य का वरदान जिसे आप ले सकते हैं, तो क्या है प्रयोग हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले हम बात करेंगे। अमृतपाल हैं हमारे साथ जुड़े भटिंडा से, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार मैम। नमस्कार। राधे राधे आचार्य जी। श्री राधे। आचार्य जी, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बताएं अपने जन्म की तारीख। 29 अप्रैल 1993। जी समय। समय है 9 और 9:30 के बीचकार में सुबह। अच्छा, और प्लेस? बर्थ प्लेस है पुट्टो मंडी, डिस्ट्रिक्ट बठिंडा। मंडी जी। मैं अपनी शादी के बारे में और अपनी गवर्नमेंट जॉब के बारे में पूछना चाहती हूँ, किस फील्ड में मुझे जॉब मिलेगी। देखिए, मिथुन लग्न आपकी है, बुद्ध की महादशा चल रही है, फिलहाल तो कुंडली के अनुसार विवाह का योग अभी कम से कम 1 से 2 वर्ष का विलम्ब दिखा रहा है, तो 2 साल बाद आप विवाह की उम्मीद करिएगा, 2017 मार्च के बाद लगभग, इससे पहले तो शायद तय भी ना होने पाए। नौकरी के निमित्त आपने प्रश्न किया, देखिए गवर्नमेंट जॉब के योग बहुत कम है, मंगल आपकी कुंडली में नीच राशि में चंद्रमा के साथ बैठा, यद्यपि की नीच भंग राजयोग बन रहा है, लेकिन फिर भी संभावना बहुत कम है क्योंकि सूर्य मंगल में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं दिख रहा है। बुध आपका नीच राशि में, शुक्र आपका उच्च का, दो नीच भंग राजयोग है, लेकिन ये आपके करियर के लिए सिर्फ बुध शुक्र का योग शुभ रहेगा। बहुत सोच विचार करके विवाह करिएगा क्योंकि आपके सेकंड हाउस में मंगल का बैठना ये वैधव्य दुख का कारण कई दफा बना देता है। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ, बाल लंबे रखना है, नाखून छोटे रखना है और शुक्रवार को श्वेत मिष्ठान का वितरण, ये दो उपाय करिए, जरूर लाभ दिखेगा। जी हाँ,
तो चलिए अब आपको आंवले के जो चमत्कारी प्रयोग हैं बताते हैं। ये कैसा फल है जिसमें अमृत है, इंग्लिश में गूसबेरी कहते हैं इसे। अच्छा। और इसकी खासियत ये है कि इसके कुछ खास प्रयोग अगर आप अपनाएंगे तो आप निरोगी काया प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला महाप्रयोग कौन सा है, आइए जानते हैं। भैया अब आप लोग को पता चल गया गूसबेरी कहते हैं इसको, अब शायद हम प्रोनाउंसिएशन ढंग से ना कर पाए, कंचन जी फिर से सही किया आपने। अच्छा ठीक किया है जी। तो बहुत लोगों को क्षेत्रीय भाषा में ये जानकारी नहीं होगी तो इसलिए इसको हमने इंग्लिश में भी बता दिया, गूसबेरी आंवला। आंवले के प्रयोग से आप उत्तम स्वास्थ्य का वरदान कैसे श्री हरि विष्णु से पाएंगे ये देखिएगा। 108 परिक्रमा के लिए भी बताया गया, कुछ और रोचक जानकारियां हम देंगे अक्षय नवमी से संबंधित। बेहद पुनीत दिन है ये, हल्के में ना लीजिएगा, 3 आंवला लेना है आपको। अब देखिए निरोगी काया का पहला प्रयोग ज्योतिषीय ढंग से, शोध हमारा, विश्वास आपका। 3 आंवला लीजिएगा, हल्का सा कहीं कहीं से कट लगा दीजिएगा और चीनी घोल करके चाशनी बना लीजिएगा और इसके साथ स्पर्श कर लीजिएगा। ये योग देखिए, बुध और शुक्र दोनों को हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया है गहराई के साथ, और आंवले के अंदर भी रस होता है देखें, इसलिए चंद्रमा भी इसके अंदर शुभता दे देता है। अब इसे आप लाल कपड़े में बांधें। लाल कपड़ा हमने यहां पर इस वजह से लिया है क्योंकि इस समय सूर्य जो दवाओं का कारक है और शनि जो रोगों का कारक है, ये दोनों ग्रह मंगल के घर में बैठे हैं, वृश्चिक राशि में सूर्य और शनि बैठे हैं। लाल कपड़े में बांधें और तुलसी के पत्ते पर रख करके, एक तुलसी का पत्ता नीचे 2-3 रख लीजिए और लाल कपड़ा उसी के ऊपर रख दीजिए, रख करके पीपल के नीचे जाके रख दीजिए। बेहद आसान प्रयोग हम आज छोटे छोटे आपको बता रहे हैं क्योंकि आज ही के दिन करना है, बहुत ज्यादा बड़ा बता देंगे तो शायद करने में आपको दिक्कत हो और आपका मन भी हटे। तो बेहद छोटे प्रयोग, कम से कम सामग्रियों का प्रयोग, जिससे आप आसानी से आज के दिन कभी भी, देखिए ये संध्या व्यापनी नवमी तिथि ली जाती है अर्थात शाम तक भी अगर नवमी तिथि है तो बहुत आसानी से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं और नवमी तो लगी चुका है, तो आज के दिन यह प्रयोग करिए। आगे एक प्रयोग और बताएंगे जिससे रोग मुक्त आप जरूर हो जाए। जी हाँ, और धनवान भी बनाएगा यही आंवला, लेकिन कैसे वो प्रयोग भी हम आपको बताएंगे, जानकारियां ब्रेक के उस पार। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। भाई हम आपसे कहेंगे जितनी भी आपकी समस्याएं हैं उतने ही आंवले आज आप ले लें, क्योंकि आज अक्षय नवमी है और हर समस्या को काटेगा ये अद्भुत आंवला, कैसे आज दोपहर बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। सीने में कुछ दर्द तो होता है पर इस दर्द से रुकना क्यों, एक्सपर्ट है ना वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद, इसका क्विक एब्जॉर्ब नैनोजेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है, अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण, ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई तू, मां बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा, बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रहेंगे स्वस्थ और बनेंगे धनवान, ये चमत्कार करता है आंवला, जिसमें कहा गया है कि आंवले के वृक्ष में श्री हरि विष्णु जी भी वास करते हैं और आपने बताया कि महादेव भी
बिल्कुल आ गए हैं। आज अक्षय नवमी से लेके पूर्णिमा तक माना गया है, पौराणिक कथा का वास माना गया है। लेकिन यही आंवला जो है चमत्कार करेगा, बालों के लिए भी काफी अच्छा माना गया कि काले घने रसायन है, बहुत आयुर्वेद में तो त्वचा के लिए भी काफी शुभ होता है। लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं निरोगी काया प्राप्त करने के लिए जो दूसरा महाप्रयोग है वो क्या है। जी हाँ, एक प्रयोग और हम आपको बताते हैं जिससे आप अच्छे से स्वास्थ्य लाभ पा सके। शरीर को रोगों का घर कहा गया है, शरीरस्य खलु रोग मंदिरम, अर्थात ये शरीर रोगों का घर है। लेकिन ये रोग जब सामने आने लग जाते हैं तो आपका तन पूरी तरह से निष्प्राण हो जाता है, उसके अंदर जैसे निस्तेज आ जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज का अगर ये प्रयोग कर लिया सिर्फ आज ही के दिन तो आप जल्दी चमत्कृत हो जाएंगे। एक कटोरी में आंवला एक पूरा काट करके उसका गूदा निकाल करके उसकी गुठली फेंक करके एक कटोरी में रख लीजिए। थोड़ी सी हल्दी डालिएगा एक चुटकी, यह भी औषधीय गुणों के साथ एंटीबायोटिक माना गया है। कटोरी के अंदर अंगूठे का स्पर्श करिएगा, शुक्र पर्वत और अंगूठा, यहां हमने इस वजह से अंगूठा ही कंसीडर किया है। और विष्णु मंत्र का जाप करिए, कोई भी मंत्र ले लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र ले सकते हैं। इसके उपरांत कटोरी को अपने सर से 108 बार दक्षिणावर्त वारना है। पुराणों के अनुसार आप इसको अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा 108 बार की परिक्रमा का कितना महत्व है। इस वृक्ष के समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला 108 परिक्रमा आज के दिन अगर आंवले के वृक्ष का करते हैं, हम तो कहेंगे गमले में आज खरीद ही लीजिए आंवले का पेड़ और उसकी परिक्रमा कर डालिएगा, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। 108 बार वार करके फिर इसे ले जाकर के आम के पेड़ के नीचे इसको रख दीजिएगा। आम का वृक्ष बेहद शुभ और शुभता प्रदान करने वाला है, आम के पत्ते का ही बंधन वार बनता है जिससे घर में शुभ अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। अब ये दो प्रयोग हमने बता दिया आपको खास तौर पर निरोगी काया के लिए, आगे आंवले का प्रयोग हम बताएंगे महालक्ष्मी को रिझाने के लिए। जी हाँ, लकी कॉलर से भी हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले बात करेंगे, जम्मू से रंजीत जुड़े हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। नमस्कार राधे राधे आचार्य जी। भैया श्री राधे। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि मेरा लड़का है मोक्ष सैनी जी, और उसका जन्म है 5 अगस्त 2007 जी। समय? समय है 2 बजे का दोपहर का। और प्लेस? प्लेस है हमारा जम्मू जी। क्या सवाल है आपका इनके लिए? सवाल ये है मैडम जी, पढ़ाई नहीं करता और जिद बहुत करता है। अच्छा रंजीत जी, देखिए इसका वृश्चिक लग्न है, लग्न में बृहस्पति है, जितनी तो रहेगा, ये लग्न को लग्नेश खुद देख रहा है मंगल, इसके अंदर कठोरता रहेगी, थोड़ा सा ये चिड़चिड़ा स्वभाव का भी रहेगा, यद्यपि अभी शुक्र की महादशा चल रही है, कल्पना करिए इसके बाद तो सूर्य की महादशा आने वाली है, फिर तो हिला देगा आप लोग को, 2028 में इसकी महादशा आएगी, तब तक ये 21 साल का हो जाएगा। तो अभी तो आप फिर भी इसको संस्कार देने का प्रयास करिए, आप लोग इसके साथ उलझ पड़ते हैं, चौथे घर में राहु है, इसकी माँ से कहिएगा कि ज्यादा उलझे ना, ऊंची आवाज में इससे कितना बात करती है ये आपको भी पता है और इस बच्चे को भी पता है और इसकी माँ को भी पता है, तो इस बच्चे से बहुत प्यार से बहुत शालीनतापूर्वक आप लोग पेश आए, बच्चा वही बोलता है, वही रिएक्ट करता है, वही दिखाता है जो उसके घर में माहौल होता है। तो बच्चों का मनोविज्ञान पढ़ने का प्रयास करिएगा, बच्चे के लिए कोई हम उपाय नहीं बताएंगे फिलहाल, बस आप सबको समझाएंगे कि किस तरह से बच्चे की परवरिश की जाती है, इसे सीखें, बच्चे के अंदर कोई दोष नहीं है। जी हाँ। और आचार्य जी, आज किचन पिटारा बहुत ही खास है। हाँ, काम हम हर इंसान काम करता है, घर में महिलाएं घर में काम कर रही हैं, किचन में भी काम कर रही हैं, किचन से बाहर निकल के इस समय टीवी के पास आई हैं, हमारा शो देख रही हैं, लेकिन आप सभी ऑफिस की तैयारी में हैं, यानी ऑफिस भी जाएंगे, वही डेली रूटीन है, आपको ऑफिस में जाना है, काम करना है, जी हजूरी भी करनी है, लेकिन ऐसे में अपने आप को कहीं ना कहीं आप ये महसूस करने लग गए हैं कि काम भी बोझ ही हो गया है, बिल्कुल ऐसा है कि लय में काम करे जा रहे हैं। हम लोग काम करने के लिए जब हम लोग आते हैं, नहीं हम तो एक्साइटेड होते हैं पूरी तरह से, हम बहुत उत्साहित होते हैं जब भी आते हैं, प्यार इतना मिलता है हमारे दर्शकों का
कि ये भी एक उत्साह दे देता है जी, उबन ना हो किसी काम से। और यही उत्साह अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने काम को एंजॉय कर पाए और साथ ही साथ सफलता भी प्राप्त करें जी, तो इसके लिए किचन पिटारा आज आपकी बहुत मदद करने वाला है। ये पिटारा हम आपको देंगे, लेकिन हाँ साथ ही साथ आप हमें फीडबैक जरूर भेजा कीजिए कि आपको हमारा शो लगता कैसा है, और कोई भी आपका आपके सुझाव है, राय है, तो आप हमें मेल जरूर किया कीजिए kal@liveindia.tv पर। और चलिए अब हम बात करेंगे आज के दिन के और कल के दिन के बहुत ही अशुभ समय के बारे में, यानी कि राहु काल के बारे में। चलिए राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा आज का और कल का। आज का है सुबह 10:30 से ठीक 12 बजे तक, इस बीच कोई भी शुभ काम नहीं करना है। और कल का राहु काल रहेगा प्रातः काल 9 से 10:30 तक, इस बीच में भी कोई शुभ काम ना करें, काम बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल। और आइए अब आपको बताते हैं बहुत ही अच्छा समय जिसका हम सभी इंतजार करते हैं, पूरे 24 घंटे में आता है, जिसे कहा जाता है गुलिक काल। आज का गुलिक काल समय चल रहा है 7:30 से 9 बजे तक। एक्शनॉमी की जानकारी आप गुलिक काल में ही पा रहे हैं, ये भी अपने आप में एक विडंबना, प्रकृति की कृपा है। कल का गुलिक काल रहेगा दोपहर 1:30 से ठीक 3 बजे तक, इस बीच में भी आप सभी कुछ काम कर सकते हैं, काम आपके बनते जाएंगे। जी हाँ। और अब बारी आ गई है आज के हमारे लकी कॉलर से बात करने की। कौन बने हैं आज के लकी कॉलर, चलिए देखते हैं, लगाते हैं नए कॉल। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। हाँ नमस्कार मैडम जी। हेलो जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आनंद सोनथलिया। आनंद जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं हावड़ा, कोलकाता हावड़ा, वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ। जी जी, बधाई आपको, आज के लकी कॉलर हैं आप। थैंक यू मैडम, बहुत खुशी हुई है आपसे बात करके जी। और आचार्य जी नमस्कार, पंडित जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। श्री राधे भैया, श्री राधे आनंद जी। हाँ बहुत दिन से मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ और बहुत मैं पुराना आपका प्रोग्राम देखता हूँ और बहुत कोशिश करता हूँ लाइन लगाने का, लाइन आज तक लगा नहीं कभी। देखिए आज हमने आपको लगाया कॉल जी जी। और कल पहली बार मैं आपको मेल किया था और मैं लकी कॉलर बन गया, बहुत खुशी हुई है इस बात से। पहली बार मेल किया था आपने? कल पहली बार हमने मेल किया है। यही होते हैं लकी, ऐसे भाग्य देखिए साथ देता है। देखिए पंडित, बहुत खुशी है आपसे बात करके जी। बहुत आपसे बात करने का मन कर रहा था लेकिन बहुत ट्राई किया लाइन, आज तक भी लाइन मिला नहीं। चलिए आनंद जी, ऐसे ही अपने नाम को आप चरितार्थ करें, आनंद से रहें आप। किसके विषय में जानना? आपका आशीर्वाद चाहिए पंडित जी, बहुत आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत आशीर्वाद भैया, खूब आशीर्वाद, खूब फले फूले। आप बताएं किनके बारे में जानना चाहते हैं? मैं आपके लड़की के बारे में पता करना चाहता हूँ। जन्म की तारीख? उसकी तारीख है 2 नवंबर 1999 जी। समय? समय है दिन में 3:34 जी। और प्लेस? और प्लेस है ये मालदा, ये वेस्ट बंगाल मालदा है जी। जी बंगाल में मालदा जी, बिल्कुल। क्या सवाल है आपका इनके लिए आनंद? सवाल मैडम ये है कि ये एक तो बीमार खूब रहती है, दवाई इसको बहुत रेगुलर, आज अभी करीब करीब 8-9 साल की थी जब से ये दवाई चल रहा है इसका जी। और मतलब इसके माथे का प्रॉब्लम हुआ था, फिर अभी गले का टॉन्सिल का प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ ना कुछ इसको बीमारी लगाई रहती है जी। जी जी। और ये अभी क्लास 11 में पढ़ती है जी। दूसरा क्वेश्चन है मेरा मैडम, तो ये कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहती है, तो अच्छा। आगे कौन सा लाइन इसके लिए ठीक रहेगा जी? चलिए आनंद जी, देखिए गुड़िया का मीन लग्न है और सिंह राशि है, जन्मांक में दोष वैसे बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन 8वें का सूर्य नीच राशि में किसी भी स्त्री के लिए शुभ नहीं होता। अष्टम भाव का सूर्य पुरुष के लिए कई मामलों में दमदार होता है लेकिन स्त्री के लिए अष्टमस्थ सूर्य हमने अच्छा नहीं पाया है। हड्डी, त्वचा, सांस, स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम, शनि भी नीच राशि में बैठा तो ये कुछ खास जगहों के लिए इनके लिए समस्या ग्रस्त करता है, कुछ गायनी प्रॉब्लम्स भी इनको देता है। शुक्र की महादशा चल रही है, इस महादशा में निरोग रहें इसके लिए आंवले का खूब सेवन करवाइए, नंबर एक। आज जो हम प्रयोग अभी दो बता चुके हैं उसको भी जरूर करवाइएगा। आपने करियर के लिहाज से प्रश्न किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, बिल्कुल गो अहेड है, इसके लिए शुभ है यह जन्मांक। चंद्रमा और शुक्र एक साथ टेक्निकल रूप से आगे बढ़ाएंगे जिसमें सॉफ्टवेयर क्षेत्र दी बेस्ट होता है। शुक्रवार के दिन अगर व्रत कर सके गुड़िया तो बेहद कारगर रहेगा और शुक्रवार के दिन ही कुछ दान जरूर करवाइएगा अन्न का। मांसाहार से एकदम तौबा करवा दीजिएगा, छूने भी ना पाए, देखने भी ना पाए और इसके लिए पूरा परिवार
काम करे, ऐसा ना हो कि ये ना खाए, इसको पंडित जी ने मना किया, बाकी लोग अपना खाते रहे, तो परिवार में ना आए तो बेहतर रहेगा जी। और आंवले का दान भी किया जाता है कि करना चाहिए आज के दिन? बिल्कुल किया जा सकता है, वैसे खास तौर पे कंचन इसके लिए जो बताया गया है जी, सेवन और इसकी परिक्रमा और इसका पूजन जी। बिल्कुल, तो आनंद जी जो आपको उपाय बताए गए हैं उन पर आप अमल करें, विशेष लाभ आपको जरूर होने वाला है। लेकिन चलिए अब हम बात करेंगे, दिल्ली से दीपा जुड़ी हैं, स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। नमस्कार कंचन जी। नमस्कार। प्रणाम आचार्य जी। श्री राधे। आचार्य जी मुझे अपने पति के बारे में पूछना है जी। बताएं जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 अप्रैल जी 1978 जी। समय जी, शाम 4:30 बजे नई दिल्ली। करिए प्रश्न कर लीजिए। पंडित जी इनका कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, काम कोई काम ही नहीं बनता इनका, कि ऐसा कुछ बताइए कि जो काम क्या करें और किस काम में इनका आगे हो सके जी। दीपा जी शुक्र की महादशा अभी इनकी चल रही 2016 तक, 14 जनवरी 16 तक अमावस्या का जन्म है, शुक्रवार का जन्म है, चैत्र कृष्ण अमावस्या, जन्मांक इनका बेहद पीड़ित है, इनको जो इनके आसपास के लोग हैं 12वें घर में, इनका मंगल ही नीच राशि में बैठ गया है, जो सिंह लग्न के लिए महायोग कारक होता है, क्योंकि ये नौमेश और चतुर्थेश होता है, मूल त्रिकोण और केंद्र का स्वामी होकर के। दीपा जी इनके अंदर बेहद बदलाव की गुंजाइश है, अभी बदलने का प्रयास करें अपने पतिदेव को, और स्त्री ही पुरुष को बदल सकती है, किसी में और दम नहीं है। शुक्रवार का व्रत आप खुद कर लीजिएगा और इनसे कहिएगा बेहद सात्विक रहें, चरित्र स्वभाव पर ध्यान दें, हर अमावस्या तिथि पर कुछ कंबल, सर्दियों का मौसम आरंभ हो चुका है, कुछ कंबल और अनाज जरूरतमंदों को दे दें, कुछ औषधियां दे दें, कुछ गर्म औषधियां दे दें, जरूरतमंद जितने भी दिखते हैं इधर उधर उनको खूब वितरित करवाइए, सिर्फ एक दिन महीने में अमावस्या को, जरूर लाभ दिखेगा जी हाँ। और आंवला कैसे बनाएगा आपको माला माल, ये बताएंगे ब्रेक के उस पार, लेकिन वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे, तुलसी विवाह होने वाला है। बिल्कुल। और ऐसे में कल से ही हम तैयारियां जो है करवाने वाले हैं, हम चाहते हैं कि कोई भी जो कन्या है वो कुंवारी ना रहे, बिल्कुल होना चाहिए ऐसा, तो विशेष तैयारियां करनी है, जीवन खुशहाल हो जाएगा आपका। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे, देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। मलेशिया सिंगापुर में चलेगा मोदी का जादू, 21 नवंबर से 24 नवंबर 4 दिन पल पल की खबर, दोनों देशों से लाइव रिपोर्ट, बड़ा दौरा बड़ी कवरेज, रॉकस्टार मोदी सिर्फ लाइव इंडिया पर। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। बॉक्स ऑफिस का हर रंग और
रात का पंच सिर्फ लाइव इंडिया पर। नीतीश कुमार संभालेंगे आज बिहार की कमान। पटना के ऐतिहासिक